राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी, हमारे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय धारीवाल जी, वरिष्ठ मंत्री लालचंद जी, हमारे खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री आदरणीय प्रताप सिंह जी, हमारे सभी विधायकगण, हमारी मुख्य सचिव उषा शर्मा जी, ACS मेडिकल सुब्रत सिंह जी, टी रविकांत जी, PC साहब और सभी हमारे अधिकारीगण, आज बहुत ही खुशी की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा 1266 करोड़ से अधिक के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास एक ही साथ किया जा रहा है और ये बहुत ही राजस्थान की प्रदेश के लिए निश्चित रूप से जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट घोषणाएं की उनको एक अमली जामा पहनाने का काम भी शुरू कर दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली बार और दूसरी बार में जब निःशुल्क दवाइयां शुरू की, निःशुल्क जांचें शुरू की, तो विरोधियों ने कहा ये पैसा कहाँ से आएगा, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में कहा कि ये मेरा सोच है पैसा कहाँ से आएगा, मैं जादूगर हूँ, पैसे की कोई कमी नहीं आएगी। आप देख लीजिए उसी का नतीजा है, हमारे यहाँ पर निःशुल्क दवाइयां एक निर्देश के बाद निश्चित रूप से उसका भी काम शुरू हो जाएगा। तो आपकी जो बजट घोषणाएं थी एक भी ऐसी घोषणा नहीं है जिसको अमली जामा नहीं पहनाया गया, विभाग की ओर से आपके निर्देशों के बाद निश्चित रूप से इसमें बहुत बड़ा काम हुआ है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत 50 लाख लोगों को 1 मई 2021 से 50,000 लोगों को 5,500 करोड़ रुपए का इसमें उसका इलाज किया गया है। बहुत बड़ा ऐतिहासिक आपका निर्णय, अगर ये निर्णय नहीं होते तो ये क्या होता राजस्थान का। आप निश्चित रूप से इसके लिए बहुत ही बड़ा आपने काम किया है। आपने एक्सीडेंट के लिए भी 5 लाख का दुर्घटना बीमा, अगर एक परिवार के एक से ज्यादा एक्सीडेंटों में कोई डेथ होती है उनको आपने 10 लाख का बीमा देने का भी फैसला किया है, बहुत बड़ा ही। निःशुल्क दवाइयां, हमारे 2000 से भी ज्यादा दवाइयां एम सर्जिकल यूजर्स आमजन के लिए CSC PSC आपके DH HDS सब सेंटर, आज सब सेंटर में भी जाओ हमारे एक भी पंचायत ऐसी नहीं है जहां हमारे सब सेंटर नहीं हो। आपने सभी पंचायत मुख्यालयों में सब सेंटर की स्थापना की है, स्थानीय लोग, महिलाएं, बच्चे छोटी मोटी बीमारियों का स्वतः ही आकर वहां पर इलाज करा लेती है, बहुत बड़ी बात है। तो मैं तो ये कहूंगा कि आपकी ये योजनाएं हैं, IPD टावर अभी माननीय मुख्य सचिव महोदय ने कहा राजस्थान में एक मील का पत्थर साबित होगा। आज हमारे SMS में बहुत ज्यादा भीड़ होगी तो निश्चित रूप से IPD टावर बनने के बाद मेरे ख्याल से मार्च 2024 तक ये बनकर तैयार हो, 1200 बेड एक साथ, एक राजस्थान का नया मेडिकल IPD टावर बनेगा। निश्चित रूप से लोगों को आज जो ICU की इनकी समस्याएं हैं, OT की है, वो निश्चित रूप से दूर होगी। तो आपने जो भी मेडिकल कॉलेज, ये MBBS की सीटें भी हमारे कितनी बढ़ जाएगी, सोच नहीं सकते थे कि आप 3800 सीटें हो जाएगी, जहाँ की पहले अपने 2850 सीटें थी जहाँ आपने शासन संभाला था, भी केवल 850 थी, आज 3850 सीटें हो जाएगी। हर मेडिकल कॉलेज का काम जितनी तेज गति से हुआ और निश्चित रूप से कोई सोच नहीं सकता था कि आप किसी कार्यकाल में हमारे सारे मेडिकल कॉलेज शुरू हो जाएंगे और निश्चित रूप से PG की सीटें में भी आपके 2 गुना से भी ज्यादा वृद्धि हुई है। ये सब आपका राइट टू हेल्थ बिल निश्चित रूप से देश में पहला बिल है, पहला राजस्थान प्रदेश है जहां पर राइट टू हेल्थ बिल लेकर आए। इसको भी लागू करने के नियम वगैरह बन रहे हैं, अभी मुख्य सचिव महोदय ने बताया बहुत जल्दी आचार संहिता के पहले इसको भी हम लागू कर देंगे। आज लोगों को, अनजान आदमी को भी आज ये संभव हुआ है कि वो किसी भी अस्पताल में जाकर अपना इलाज करा देगा। आपका जो गारंटी कार्ड आपने दिया राहत कैंप में, उस सब घरों में ऐसे रखते हैं जैसे उसको कोई सोने की तिजोरी में रखते हैं, वो जाएगा बीमार होगा, कार्ड लेकर जाओ उसका इलाज। इससे बड़ा काम राजस्थान में 8 करोड़ लोगों को आपने जो चिकित्सा सुविधाएं दी है, निश्चित रूप से बहुत बड़ा ये काम हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उन्होंने चिकित्सा क्षेत्र प्राथमिकता के संसाधन उपलब्ध कराए, खूब पैसा दिया, चाहे मेडिकल एजुकेशन हो, चाहे आपका मेडिकल हेल्थ हो, इतना पैसा कभी सोचा नहीं था कि जिनकी बिल्डिंगें बन जाएगी गांव में, सब सेंटर की, CSC की, PSC की, मेडिकल कॉलेज तो हमारे बहुत जल्दी बनकर तैयार हो रहे हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं। तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा काम, अभी प्रधानमंत्री जी सीकर आए थे,
वो ऐसे बोल रहे थे जैसे सारा पैसा उन्हीं का है। मैं निश्चित रूप से, हमको मौका नहीं मिला, 60% भारत सरकार का है, 40% राज्य सरकार का है। जमीन राज्य सरकार की है, सारा संचालन राज्य सरकार है। ये लोग गुमराह करते हैं कि हमारा पैसा है, ये है, पर आपका जो विजन है, आपने पैसे की कभी भी इसमें कमी नहीं आने दी। चाहे आपको 15 मेडिकल कॉलेज हो, चाहे नर्सिंग कॉलेज हो, मेडिकल और हेल्थ में कभी पैसे की कोई भी कमी नहीं आई। इसी का कारण है कि आपकी जो भी बजट घोषणाएं थी, वो निश्चित रूप से उनको अमलीजामा पहनाया गया। मैं तो आपको यही कहूंगा कि आप सोच नहीं सकते थे, हम भी कैबिनेट में पहली बार भी थे आपके साथ, दूसरी बार भी थे, पर इस बार जो आपने जादू चलाया, राजस्थान के लोग कहते हैं कि निश्चित रूप से यार, एक पैसा भी जेब में नहीं हो तो भी हमारा इलाज हो जाएगा। पहले आदमी हॉस्पिटल जाने के पहले सोचता था मेरे पास पैसे एक नहीं है, लोग जमीने गिरवी रखते थे, लोग अपने जेवर बेचते थे। आज सोच ही नहीं सकता, आपका गारंटी कार्ड ले जाओ, इलाज कराओ। इससे बड़ा काम राजस्थान के मेडिकल सेक्टर में कभी हुआ नहीं। और हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों के लड़के भी, और ट्राइबल के भी, दूसरे एससी के भी, आप जो निश्चित रूप से आज वही डॉक्टर बनने की जो उनकी ख्वाहिश थी, पहले चेन्नई, बेंगलोर, कलकत्ता जाकर उनका वहां पर काउंसलिंग में नंबर आता था, जा नहीं पाते थे। आज ये निःशुल्क जो आपने मुख्यमंत्री चिरंजीवी 1,38,00,000 परिवारों का, आपकी सरकार, आप स्वयं 2,500 करोड़ रुपए सालाना आप इसके प्रीमियम का पैसा भी सरकार जमा कराती, बहुत बड़ी बात है ये। और आपने अभी घोषणा की है कुछ दिन पहले ही, एसटी एससी एमबीसी का आधा पैसा भी, जो इसमें दायरे में नहीं आते, उनका पैसा भी राज्य सरकार देगी। बहुत बड़ी राहत इससे मिली है। तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आज जो आपने ये निश्चित रूप से लोकार्पण, ये शिलान्यास किए, और इनका काम भी बहुत जल्दी पूरा होगा। बच्चों की जो सुविधाएं, शुरू शुरू में जो सरकार बनी, बच्चों की कई प्रॉब्लम आई, उनके लिए भी आपने कोटा हो चाहे जयपुर हो, आज हम देखते हैं कैसे चीकू पीकू वार्ड बने हैं, बहुत ही अच्छे। आज बच्चे हमारे सेफ हैं, बच्चों की जो डेथ रेट थी पहले से बहुत कम हुई है। आज सारे हमारे जिस तरह के संसाधन है, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मेडिकल में, एजुकेशन में जितना काम राजस्थान में हुआ, दूसरे प्रदेश हमसे बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे। इसलिए आपका इस कार्यक्रम में, आपके पधारने पर, मेडिकल एजुकेशन को आपका आशीर्वाद और पूरा होने पर मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।